हेलो एंड वेलकम टू बुकर जॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए एक इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही कम तेल में झटपट से बन जाता है और हेल्थ तो पूछिए ही नहीं, बहुत ही ये हेल्दी रेसिपी है। तो आइए मेरे साथ इस रेसिपी को बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले चाहिए वो है चावल, मूंग दाल और उड़द दाल, जिसे कि हम लोग पानी में 2 से 3 घंटे के लिए सोक कर लिए और फिर इसे हम लोग पीस लेंगे। तो ऐसा है कि चावल हम आधा कटोरी लिए हैं, मूंग दाल आधा कटोरी और उड़द दाल आधा से थोड़ा कम कटोरी लेकर इस सभी को हम लोगों ने डाल दिया है मिक्सर जार में। साथ ही इसमें मैं थोड़े से गार्लिक डाल दी हूँ। गार्लिक के बाद इसमें डालूँगी मैं लहसुन, मिर्ची आपके स्वाद के अनुसार, आपको जितना तीखा पसंद हो, और थोड़े नमक। अब करीब हम लोग 1/2 कप के अराउंड इसमें पानी डाल देंगे और इसे एक स्मूथ बैटर बना देंगे। अच्छी तरह से हम लोग इसे पीस लेंगे और देखिए काफ़ी अच्छा एक स्मूथ बैटर बन के तैयार हो गया है। तो इसे हम लोग एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब हम लोग इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में है हल्दी, हल्दी के बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ी 1 चम्मच क्यूमिन पाउडर। क्यूमिन पाउडर के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, साथ ही साथ रेड चिली पाउडर, और फिर थोड़ा सा बैटर को थिक करने के लिए मैं इसमें डालूँगी बेसन। तो बेसन हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अभी इस वक्त मैं 2 टेबलस्पून डाली हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा एक बार चेक ज़रूर करेंगे कि बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी होनी चाहिए। ये ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ही रनी। तो अभी देखिए 1 चम्मच मैंने और डाला, तो कुल टोटल मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून बेसन और इसे अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे और ध्यान रखेंगे इसमें कोई भी लम्स नहीं है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसमें हम कुछ सब्जियां डाल देंगे। तो आपके पास जो भी सब्जी हो आप वो डालिए। आज मैं इसमें डाल रही हूँ कैरेट, साथ ही में चॉप्ड अनियन, और फिर इन सभी को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और फिर जब ये सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए फिर मैं डालूंगी इसमें मेरा फेवरेट धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती डालेंगे और फिर इसे एक बार अच्छी तरह से मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से हमारा देखिए धनिया का पत्ती भी यहाँ पे मिल चुका है। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। तो बस अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे अराउंड 1 चम्मच के करीब हम लोग इसमें डाल रहे हैं इनो सॉल्ट। तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो मैं आज इसमें डाल रही हूँ इनो सॉल्ट। इनो सॉल्ट डालते ही जब आप इसको मिक्स करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी टाइप का हो जाएगा और काफ़ी आप देखेंगे कि इसमें एयर बबल्स आ जाएंगे, जो कि जब आप इसे सेकेंगे तो काफ़ी अच्छा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए ये मिक्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक पैन गरम कर लेंगे। तो और जब पैन हमारा अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें डालेंगे हल्का सा तेल ताकि जो हमारा बैटर है वो चिपके नहीं। अब क्या करना है कि एक हम लोग लेंगे ब्रेड स्लाइस, इसके ऊपर ये जो बैटर है उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे एक साइड में और फिर इस तरह से हम बैटर वाले साइड को नीचे रख करके तवा पे डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी डाल देंगे। आपके हिसाब से आपका पैन जितना बड़ा हो आप उस तरह से
दो तीन या एक भी आप एक बार में एक बनाएं, और फिर ये जो ऊपर वाला भाग है ब्रेड का उस पर हम लोग ग्रीन चटनी डाल देंगे। आपकी मर्जी हो तो आप इसमें टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। ग्रीन चटनी स्प्रेड करने के बाद मैं इसे फिर से वो जो बैटर मैंने बनाया था अभी वो ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। मेक श्योर कि जो हमारा बैटर है वो ब्रेड स्लाइस पर अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए और पूरी तरह से ढक जाए ये जो हमारा ब्रेड स्लाइस है। करीब 1 से 2 मिनट हम यूं ही इसको सेकेंगे और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा तेल भी स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि जब टर्न करेंगे तो हमारा जो ब्रेड है वो चिपके नहीं, या बैटर जो है ना वो समटाइम चिपक जाता है तो ऐसा कुछ ना हो। तो इससे अब हम लोग टर्न कर लेंगे। बहुत ही ध्यान से टर्न कीजिए, नहीं तो ये जो बैटर है ना इसके फैलने का डर रहता है। तो इस तरह से हम लोग पलटते हुए दोनों ही तरफ जो हमारा ब्रेड का स्लाइस है ना उसे अच्छी तरह से हम लोग क्रिस्पी कर लेंगे। देखिए जिस तरह से ऊपर में कितना एकदम कलर जो है बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, क्रिस्पी सा लगने वाला, बिल्कुल वैसा ही हम लोग दोनों तरफ से इसको पका लेंगे। और बस इस तरह से थोड़ी देर और यूं ही सेकेंगे। एक देखिए मेरा थोड़ा कम पका है तो इसे भी हम लोग अच्छी तरह से पलट करके फिर पका लेंगे। अब ये वाला देखिए मेरा हो गया है तो इसको हम लोग अब निकाल लेते हैं। इस तरह से एक चॉपिंग बोर्ड में आप इसको निकाल लीजिए ताकि इसको इसकी जो कटिंग है वो अच्छी तरह से हो सके। तो अब इसको आप लोग अपना मनचाहा शेप दे दीजिए। मैं इस तरह से इसको कट कर दी हूँ। तो बस देखिए हो गया हमारा ब्रेड का झटपट से बन जाने वाला नाश्ता। तो बस यूं ही हमारे वीडियोस देखते रहिए, बनाते रहिए और खाते रहिए, स्वस्थ रहिए। भुक्कड़ जॉइंट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।